अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट व्लॉग इन बाकू। तो मुझे बड़े लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कितना ख़र्चा हुआ है, क्या कॉस्ट हुई है। तो पहले तो करते हैं ब्रेकडाउन। तो ख़र्चा बड़ा नॉमिनल सा था, मैंने अभी तक अभी कोई अपने बैंक अकाउंट से कोई रुपीज़ नहीं खर्चे। सारा कुछ मैंने अपने एक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर ख़र्चा किया। तो मुझे 1,13,000 की टिकट मिली जो मैंने फैसल बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ली। उसके बाद होटल बुकिंग 32,000 रुपये वो की, तो 1.5 लाख में मैं बाकू आ गया। वीज़ा $25 उसकी फ़ीस थी, तो मुझे बैंक ने $256 डॉलर का चार्ज किया, जबकि इंटर बैंक 223 का था। लेकिन खैर 1.5 लाख लग गया मेरा करीब करीब बाकू पहुँचने तक। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बड़ी मज़े की धूप लगी है। जब से मैं आया हूँ आज पहली दफ़ा धूप लगी है, नहीं तो डेली बारिश हो रही थी। मौसम बहुत अच्छा और ठंडा है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बाकी बाकू की चीज़ें मैं कुछ बताता जाऊँ कि भाई, जो पाकिस्तानी इंडियन एनीवन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया इज़ कमिंग टू बाकू, यहाँ पर जॉब्स नहीं है। बाकू इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर इनके अपने लोगों की 400 मन्नत 600 मन्नत इतनी सैलरीज होती हैं। मैं पाकिस्तान में ज़्यादा कमाता हूँ, तो टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ आर्टिफिशियल है, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको बड़ी बड़ी, और आई मीन इट्स ऑल फेक एंड इट्स ऑल फॉर टूरिस्ट। इन रियलिटी बाकू इज़ वेरी पुअर। तो ये पुअर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर तबके के लोग पाए जाते हैं। मोस्टली यहाँ पर बिजनेसमैन है काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तानी लोग बहुत हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आपने आना है तो अपनी पूरी रिसर्च करके आनी, जैसे मैं आया था। स्कैम्स बहुत होते हैं निज़ामी स्ट्रीट पे। उसके अलावा लोग वैसे बहुत अच्छे हैं। आई मीन सबसे बड़ा जो इशू है ना, लैंग्वेज बैरियर का है। इनको ज़ुबान नहीं आती। आने से पहले गूगल मैप्स आपने अपने पास रखना है, और उसके बाद आपके पास अदरी लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज की गाइड होनी चाहिए, यानी कि वो डाउनलोड ही रहो। और आप देखें कि कितनी सफाई साफ़ सुथराई है। इट्स जस्ट लाइक यू आर इन अनदर सिटी ऑफ यूरोप। और मज़े की जगह घूमने फिरने के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बहुत महंगी है। टूरिस्ट यहाँ पे समझा जाता है कि जी पाकिस्तान या इंडिया से आ रहा है तो बहुत पैसे वाला होगा। इनको लगता है कि टूरिस्ट के पास बहुत पैसा है तो उनको लूट लो। लड़कियाँ बहुत प्यारी हैं वैसे। हाँ भैया, अब आती है बात लड़कियों के ऊपर। तो भाई यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनसे दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स योर मनी। तो जस्ट टू ट्राई आउट आई डाउनलोडेड टिंडर ऑन माई फोन। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इस चक्कर में आ रहे हैं कि डेट वेट करेंगे, कोई लड़की फंसाएंगे। तो इसमें होगा ये कि वो लड़की फंस तो जाएगी, लेकिन भाई पैसे लगवाएगी। तो इधर आपको जितनी भी लड़की मिलेगी स्पेशली टिंडर के ऊपर, वो आपको लूट के ले जाएगी। मोस्टली टिंडर के ऊपर यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स मिलेंगी, बम्बल के ऊपर भी प्रोस्टिट्यूट्स मिलेंगी। और बस इधर आए, अपनी आंखें ठंडी करें, लड़कियों को देखें और वापस पाकिस्तान जाएं, या जिधर से भी आप आए हैं। तो लड़कियों वाला काम बहुत ख़राब है। इधर की जो लड़कियाँ हैं टूरिस्ट के साथ बहुत फ्रैंक होती हैं। The only reason I told you के पैसा नज़र आता है। अब जैसे मैं अगर किसी जगह पे 20 एजियन का खाना खाता हूँ, 20 एजियन मतलब 20 अजरबैजानी मन्नत पाकिस्तानी बनते हैं, वो कोई 5,500-6,000 समथिंग, तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये लोग 20-30 मन्नत के लिए मर रहे होते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप बाकू आएँ तो मेक श्योर आपने बोल्ट यूज़ करनी है, टैक्सी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपने शहर से एक दूसरी जगह पे जाना है अपनी लोकेशन से, वॉक मस्ट है। और उसके बाद मेट्रो का कार्ड बनाएं, मेरा भाई मेट्रो में सफ़र करें, सबसे बेहतरीन तरीका है। ये हमारे अमित भाई हैं इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन इनको कितनी देर हो गई है? 1 महीना से ऊपर। हाँ, 1 महीना से ऊपर हो गया है। ये यहाँ पे घूमने आए थे, लेकिन फॉर सम रीज़न इनको बाकू से बड़ा ज़्यादा प्यार हो गया तो इनका वापस जाने का मन नहीं है। तो भाई लोग, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी हैं।
मैं डेली का कोई 15 से 25 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ और मुझे जहाँ जाना होता जा रहा हूँ। मेरे साथ अभी कल एक इंसिडेंट हुआ था कि 2-3 मांगने वाली फकीरनी आ गई मेरे पास और मुझे वो तंग करने लगी कि भाई पैसे 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 पैसे, तो देवर टचिंग में तो मैं भागा वहाँ से क्योंकि मेरा बैग किसी ने खींचने की कोशिश की, तो मैं बड़ा ज़्यादा अब ना डर भी गया कि यार पता नहीं क्या हो गया, अनजान शहर है, अनजान मुल्क है, किसी को मैं जानता नहीं और सोलो ट्रैवलर हूँ। खैर तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, बड़े लोगों का सवाल आए थे कि तुर्की का वीज़ा कैसे लगा, तो यहाँ से बाय रोड आप तुर्की जा सकते हैं। वीज़े के लिए आपको आपका रिटर्न टिकट मस्ट है, होटल बुकिंग मस्ट है, पेड नॉट डमी बुकिंग, और उसके बाद एक और चीज़ थी बैंक स्टेटमेंट हो या सैलरी स्लिप्स हो, तो फिर आपको टर्की 2 दिन का वीज़ा देता है। तो मैं अभी फ़िलहाल टर्की नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बॉर्डर क्लोज है, मैंने बस पे जाना था और एयरलाइन की टिकट मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो कि मैं अब यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।